हेलो एवरीवन, मार्च वीडियो पर स्वागत करुँ। सो लास्ट टाइम पढ़ुले रोटेशनल डायनामिक्स, ओके, बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स अनर्स जदि अच्छ दे तुम्हारे यहाँ काम दब रोटेशनल डायनामिक्स। आईटा हूँ मेकानिक्स पार्ट्र, ओके, मेकानिक्स पार्ट्र रोटेशनल डायनामिक्स। डायनामिक्स मैंने हूँ मोशन, आ रोटेशनल डायनामिक्स मैंने हूँ रोटेशनल मोशन। आउ सेंटर ऑफ मास रो डेफिनेशन पढ़ुले, तार इलस्ट्रेशन पढ़ुले लास्ट वीडियो। जो तुम देखा चाहो देन जाओ प्ले लिस्ट को देखि, ओके। सेंटर ऑफ मास सब इंपोर्टेंट, एग्जाम रे 3 मार्क्स क्वेश्चन आसे। सो जो तुम देख न देन जाओ प्ले लिस्ट को देखि, सब इंपोर्टेंट हम से एससी ओडिशा पाई। सो तार इलस्ट्रेशन देखते, इलस्ट्रेशन कौन देखते, सेंटर ऑफ मास रो पोजिशन वेक्टर दैट इज आरसीएम बाहर करते, ओके। इलस्ट्रेशन आरसीएम बाहर करते, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आरसीएम इक्वल टू समेसन एम आई आर आई डिवाइड बाय समेसन एम आई। और समेसन एम आई वैल्यू होची 1/M, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ओके। जो सिस्टम हम नहीं यहाँ हूँ सिस्टम, से सिस्टम रो टोटल मास होची कैपिटल एम, से समेसन एम आई मान होची 1/M इंटू समेसन एम आई आर आई को समेसन एम आई आर आई रही। यहाँ हूँ आरसीएम, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ आम लास्ट डेट बाहर करते, स्टेप बाय स्टेप बुझे देते, जदि देख देन जाओ आउ देखनी। आउ आरसीएम रो कंपोनेंट फॉर्म रे मते बाहर करते, कंपोनेंट माने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट रो कंपोनेंट अनुसार, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट आउ वाई आउ जेड कोऑर्डिनेट को लेकिन तार कंपोनेंट फॉर्म रे मते हम बाहर करते आरसीएम, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ आरसीएम, सॉरी पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो आरसीएम रो कौन होता इन कंपोनेंट फॉर्म, आरसीएम रो वैल्यू हम एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेडसीएम के कैप, ओके। यहाँ थी तार कंपोनेंट फॉर्म। आउ एक्ससीएम आउ वाईसीएम आउ जेडसीएम रो वैल्यू मते बाहर करते, ओके। जो एक्ससीएम आई कैप वाईसीएम जे कैप आउ जेडसीएम के कैप थिला, सेथिरे एक्ससीएम वाईसीएम आउ जेडसीएम रो वैल्यू होची ए सबु, ओके। ए सब मते मु बुझे देथिली। आउ फॉर एससी एटा होची डिस्क्रीट फंक्शन पई, ओके। डिस्क्रीट मैनर जदि डिस्ट्रीब्यूशन थिबो मास देन सेतेबेले एभली बाहर करा जाए, किंतु कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पई एभली बाहर करा जाए। एक्ससीएम ताको इंटीग्रेशन रे बाहर करा हबो 1/M इंटीग्रेशन एक्सडीएम, ओके। एभली बाहर करा जाए फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पई कंटीन्यूअस फंक्शन पई। तबे एटा थिला पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। एटा हम लास्ट रे पढ़ीथिले। आउ एभली पढ़िबा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। मोशन को नेकी पढ़िबा सेंटर ऑफ मास रो, सेंटर ऑफ मास रो मोशन को नेकी, ते मोशन को नहीं कि कौन कौन पढ़ा, मोशन को नहीं कि डिस्प्लेसमेंट तापर वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम, ओके। मोशन को नहीं कि एभली पाठ मान रही है। तबे सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी कौन हबो, सेंटर ऑफ मास रो एक्सेलरेशन कौन हबो, तार फोर्स कौन हबो, ओके। से सब आम आज पढ़ा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। वीडियो शेष जाए देखो, आदि नुआ देन सब्सक्राइब करो, ओके। सो देख द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय जेकोसी गोटे बॉडी रो वेलोसिटी को भली बाहर करू, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ओके। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये तुम जान। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी आर बाय डी टी आम बाहर करू, ओके। डी आर बाय डी टी बॉडी टी आम कौन सेंटर ऑफ मास रे बाहर करूचे, से भिसीएम लिखाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डी आरसीएम माने पोजिशन वेक्टर ऑफ आरसीएम रो डेरिवेटिव बाहर करा हबो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रे, ओके। एटा होची डीटी डीआरसीएम बाय डीटी, ओके। वीसीएम रो फॉर्मूला होची डीआरसीएम बाय डीटी एभली बाहर करा जिवो जति आरसीएम जति पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हुए। नाउ आरसीएम रो वैल्यू सेटी देखिथिले, आरसीएम रो वैल्यू केते 1/M इनटू समेशन एम आई आर आई, ओके। 1/M इनटू समेशन एम आई आर आई 1/M, ओके। कैपिटल एम होची टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो नेक्स्ट स्टेप रे आरसीएम जगह खाली सीटा पुट कराई भिसीएम इज इक्वल टू डी बाई डी टी, आरसीएम जगह लिखा है 1/M इंटू समेसन एम आई आर आई, ओके। तेब देख डेरिवेटिव बाहर करवा कार कार, तो ये फंक्शन रही 1/M इंटू समेसन एम आई आर आई, किंतु 1/M आउ समेसन एम आई 1/M मान हूँ टोटल मास, टोटल मास तो केवे चेंज हम ना, से ये गोटे कन्स्टांट आउ समेसन एम आई ये भी गोटे कन्स्टांट, ओके। से ये दुटा बाहर पलैब 1/M आउ समेसन एम आई बाहर पलैब, ओनली आर आई भेक्टरटा खाली यार खाली डेरिवेटिव बाहर करा हबो, ओके। कहीं पोजिशन भेक्टर चेंज हम। सो नेक्स्ट स्टेप सीआई कराई 1/M आउ समेसन एम आई को बाहर कराई ओनली आर आई भेक्टर रही डेरिवेटिव बाहर कराई, ओके। कहीं आर आई भेक्टर दैट इज पोजिशन भेक्टर अफ आईथ पार्टिकल, सी खाली भेरी कर कि कन्स्टांट से बाहर पलि आसे।
सो VCM इक्वल्स टू 1 बाई एम इंटू समेसन एम आई इंटू डी आर बाई डी टी एंड दिस इम्प्लाइज VCM इक्वल्स टू 1 बाई एम समेसन एम आई 1 बाई एम समेसन एम आई या सेम टू सेम लिखा है ये ओके 1 बाई एम समेसन एम आई ये जाए सेम टू सेम लिखा है जमी VCM इक्वल्स टू डी आर सी एम बाई डी टी होता सेमती डी आर आई डी आर आई वेक्टर बाई डी टी कौन हम भि आई हम ओके से आर सी एम थी बोलिए VCM लिखुते ये आर आई अच्छे मैंने भि आई लिखा आउ भि आई होती वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल ओके वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल आउ आर आई मैंने हूँ पोजिशन वेक्टर ऑफ आइथ पार्टिकल ओके आइथ नंबर ऑफ पार्टिकल पोजिशन वेक्टर हूँ आर आई तेज जब तार आम कौन वेलोसिटी बाहर करवा देन से भि आई हम दैट इज टी आर बाय डी टी इज इक्वल टू भि आई होती आउ बाकी सब सेम टू सेम रही सो हुएर भि आई इज द वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल ओके यहाँ लिखाई यहाँ हूँ फॉर्मूला मन रखे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल एम इनटू समेशन एम आई भि आई हुएर भि आई इज द वेलोसिटी ऑफ द आइथ पार्टिकल एंड एम आई इज द मास ऑफ द आइथ पार्टिकल ओके एम आई हूँ मास ऑफ आइथ पार्टिकल आउ समेशन एम आई भि आई मान कौन समेशन समेशन मान यार सम एम आई भि आई जो आई बिलंग कर 1 टू एन ओके आई इज फ्रम 1 टू एन आई इज इक्वल टू 1 टू एन सो इटा हम एम आई भि आई प्लस एम टू भि टू प्लस एम थ्री भि थ्री प्लस अप टू प्लस एम एन भि एन जाए हम ओके समेसन मान हूँ सेटा तापर देख फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओके यहाँ हूँ डिस्क्रीट मैनर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो मास से समेसन बाहर कराए किंतु जदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थी और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थी ओके जो फंक्शन टा कंटिन्यूस थी देन से कोई बाहर करवा VCM वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास कोई बाहर करवा जदि डिस्क्रीट थी देन ये बाहर कराए किंतु कंटिन्यूस थी इंटीग्रेशन रे बाहर कराए ओके जदि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थी देन VCM इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल एम इंटू इंटू इंटीग्रेशन एम डीवी ओके एम डीवी वेयर एम इज द मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड डीवी इज द चेंज इन वेलोसिटी ओके 1 बाय एम माने कैपिटल हूँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम जदि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थी देन VCM इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एम डीवी ओके ये बाहर कराए वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास एटा थिला वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ना पड़ा वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ओके वेलोसिटी पर पड़ा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फॉर्मूला जानी थी चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम को एक्सेलरेशन बोली कहा जाए तो ये लिखाई है द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय ACM ओके ACM ACM कौन पे कहा है ना जेहेतु सेंटर ऑफ मास बाहर करछे सेते पे ACM लिखाई है और सिंपल ए लिखले मते हबो सो ACM इज इक्वल टू DVCM बाय DT ओके DVCM बाय DT दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिट टाइम ओके दैट इज DVCM बाय DT VCM माने होची जहाँ बाहर करते सेटी VCM रे वैल्यू 1 बाय एम इनटू समेशन एम आई भि आई सीटा ये पुट करा है ओके चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन बोली कहा जाए तो से फॉर्मूला अनुसार यहाँ पुट करा है ओनली भि जगह VCM पुट करा है कहीं आम सेंटर ऑफ मास रो एक्सेलरेशन बाहर करुचे से VCM पुट करा है तो नेक्स्ट स्टेप जब VCM रो वैल्यू पुट करवा देन कौन हम डी बाय डी टी को डी बाय डी टी VCM रो वैल्यू जहाँ अच्छे ये सेम टू सेम पुट करा है 1 बाय कैपिटल एम इनटू समेशन एम आई भि आई ओके नाउ इटी मध्ये सेम 1 बाय एम आउ समेशन एम आई ई मध्ये कांस्टेंट सेतिपई इटी मध्ये बाहर पळे आसीबो सो नेक्स्ट स्टेप रे बाहर पळे आसला सेटा 1 बाय एम इनटू समेशन एम आई ओनली भि आई गोटे वेरी करिवो सेतिपई भि आई रो डेरिवेटिव बाहर करा हला डी भि आई बाय डी टी ओके डी भि आई बाय डी टी जेंति ACM रो वैल्यू डी भि सी एम बाय डी टी हेतिला सेंति डी भि आई बाय डी टी रो वैल्यू कोन हबो ए आई हबो ओके माने एक्सेलरेशन ऑफ आइथ पार्टिकल हबो तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन करा आइछि 1 बाय एम इंटू समेसन एम आई एज इट इज रही बाकी डी भि आई बाय डी टी या ए आई बोली करा है ए आई वेक्टर दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ आइथ पार्टिकल ओके जेंति ACM डी भि सी एम बाय डी टी इज इक्वल टू ACM हेतिला सेंति डी भि आई बाय डी टी इज इक्वल टू ए आई हबो ओके तो एटा होसी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 1 बाय एम इंटू समेसन एम आई ए आई ओके यहाँ हूँ इक्वेशन 3 मन रखे इंपोर्टेंट आउ फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओनली कौन हम इंटीग्रेशन हम जमी यार होता इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से यार हम फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ACM इक्वल्स टू 1 बाय एम इंटू
इंटीग्रेशन एम डी ए ओके से वेलोसिटी बोल कि डीवी थिला इटि एक्सेलरेशन होछि से डीए हबो ओके एम डी ए तबे एटा होछि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तापर नेक्स्ट देखबा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ओके मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एटा थ्योरी पई बेसी इंपोर्टेंट नो किंतु प्रॉब्लम कला बेले बेसी काम रे आसे ओके प्रॉब्लम कला बेले बेसी काम रे आसीबो से याकु भल से बुझो ओके जदि बुझि नथिबो देन अप्लाई कला बेले होबो नै सो एटा होछि इंपोर्टेंट सो देखन मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय मोमेंटम मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय पीसीएम इक्वल्स टू एमवीसीएम ओके माने मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंटम को पी रे डिनोट करा जाए तो सीटा करा है पीसीएम मीन्स मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एमवीसीएम पी इज इक्वल टू एमवी रे जानि थबो मोमेंटम इज इक्वल टू एमवी दैट इज मास इनटू वेलोसिटी जेहेतु मोमेंट कौन सेंटर ऑफ मास रे बाहर करछे सेतिपई वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी हबो दैट इज बीसीएम हबो आ पीसीएम कोन पई ना एटा होछि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास सेतिपई पीसीएम इज इक्वल टू मास इनटू वीसीएम दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट स्टेप रे एम को एमसीएम रहिला आ वीसीएम रो वैल्यू जहां बाहर करा हैछि ओके वीसीएम रो वैल्यू कोन बाहर करथिले इक्वेशन 2 रे ओके इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 रे जो वैल्यू अछि से वैल्यू टाइट पुट करा हबो पीसीएम रे वैल्यू 1 बाय एम इनटू समेशन एम आई वी आई फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके बुझिया पई लिखा है जेडी फ्रॉम इक्वेशन 1 तबे से वैल्यू पुट कला पर देखो एम कैपिटल एम कैंसिल हो जाय छी ओनली रह छी एम आई वी आई ओके तो पीसीएम इक्वल्स टू समेशन एम आई वी आई आउ ताको हम सिंपल पी आई बोल लिख परबा एम आई वी आई मान कोन पी आई जेंती पीसीएम इक्वल्स टू एम वी सी एम होतला सेंती एम आई वी आई कोन हबो समेशन पी आई हबो एम आई वी पई ओनली पी आई समेशन को समेशन रही छी सो पी टोटल पी आई माने कोन आई बिलो आई इज फ्रॉम 1 टू एन सो पी टोटल इज इक्वल टू पी 1 प्लस पी 2 प्लस अप टू पी एन ओके काहे ना आई हो छी 1 टू एन समेशन दिया है छी सेति पई पी 1 प्लस पी 2 प्लस पी एन रो समेशन को समेशन पी आई बोल लिखा जाए दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सॉरी वेलोसिटी नो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास सो एटा होचे मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मन रखिबो पी सी एम इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई दैट इज पी टोटल इक्वल्स टू पी 1 प्लस पी 2 प्लस अप टू प्लस पी एन ओके और सिंपल मन रखिबो पी सी एम इक्वल्स टू एम वी सी एम ओके जोटा भी मन रखले हबो बट एग्जाम रे जो भली क्वेश्चन रे जोटा गिवन दिया हेतो से अनुसार पुट करके पड़िबो जदि पी 1 पी 2 पार्टिकल मानकर जदि देछि मोमेंटम देन पी 1 पी 2 एबली सम बाहर करके पड़िबो आ जदि सिंपल मास देथिबो आ वीसीएम देथिबो तबे ए फार्मूला अप्लाई करके पड़िबो ओके क्वेश्चन रे जेंति दिया आइथिबो से अनुसार अप्लाई करा जाए तापर देखो फोर्स फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एटा होजे सबुठ इंपोर्टेंट फोर्स ओके इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माने कोन जो सिस्टम रे आमे फोर्स अप्लाई करथले लास्ट रे पढथले से सिस्टम उपरे जदि फोर्स अप्लाई करुछे माने कोन सेंटर ऑफ मास उपरे सेटा एक्ट होतबो ओके से भली एज्यूम करबा पडबो तबे फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एफसीएम दैट इज फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू एमएसीएम फोर्स इक्वल्स टू एमए जानिछे मास इनटू एक्सेलरेशन सो जेहेतु सेंटर ऑफ मास रे बाहर करा होछि सेति पई एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास रो हबो दैट इज एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तापर एससी एसीएम रो जो वैल्यू अछि ओके एसीएम रो वैल्यू जो वैल्यू अछि सेटा हम नेक्स्ट स्टेप रे पुट करबा एम को एम रहिला आ एसीएम रो वैल्यू जहां हम बाहर करिछे आगरु ओके एसीएम रो वैल्यू जहां बाहर करिछे सेटा हम एठी सब्स्टिट्यूट करबा इक्वेशन 3 रे देखो इक्वेशन 3 रे दिया है छि 1 बाय एम इनटू समेशन एम आई ए आई ओके समेशन एम आई ए आई इक्वेशन 3 से वैल्यू एठी सब्स्टिट्यूट करबा सब्स्टिट्यूट करले होला 1 बाय एम इनटू समेशन एम आई ए आई देन कैपिटल एम कैंसिल ओनली रहला समेशन एम आई ए आई समेशन एम आई ए आई दैट इज समेशन एफ आई हबो ओके जेंती एठी एम आई वी आई थिले पी आई हला सेंती एठी एम आई ए आई हले एटा हबो एफ आई दैट इज एफ आई इक्वल्स टू एफ 1 प्लस एफ 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन ओके प्लस एफ एन एंड एफ सी एम कनसीस्ट ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस ओके आउ इठी देखो एफ सी एम दी कैटेगरी फोर्स कंटेन करथिबो ओके कंसिस्ट करथिबो दी कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस माने दी टाइप्स रो फोर्स थिबो एफ सी एम रे सेंटर ऑफ मास रे दी टाइप्स रो फोर्स अप्लाई हबो इंटरनल फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल्स ओके इंटरनल फोर्स गोटे आउ गोटे एक्सटर्नल फोर्स दी टाइप्स रो फोर्स सेठी अप्लाई हबो
सेंटर ऑफ मास उपरे सेतिपई एफसीएम होची दी टाइप्स ऑफ फोर्स एटी कंसिस्ट करथिबो. सो वन इज इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू द इंटरेक्शन विथ अदर पार्टिकल्स. ओके से सिस्टम रे केते गुडे पार्टिकल्स थिबे से पार्टिकल्स मानके पते गुडे इंटरेक्शन फोर्स थिबो. ओके सेई फोर्स होची इंटरनल फोर्स. ओके जो फोर्स जो पार्टिकल्स मानक भितर जो इंटरेक्शन थिबो सेई फोर्स को कहा जाय इंटरनल फोर्स. आउ जो आमे एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई करबा सेटा होची एक्सटर्नल फोर्स. ओके तबे दी टाइप ऑफ फोर्स कंसिस्ट करथिबो एफसीएम दैट इज फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू एजेंट आउटसाइड ऑफ द सिस्टम वन इज इंटरनल फोर्स एंड अनदर इज एक्सटर्नल फोर्स. दी टाइप ऑफ फोर्स से कंसिस्ट करथिबो किंतु ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऊपर का इंपोर्टेंट दिया जाए. ओके इंटरनल फोर्स को नेग्लेक्ट करा जाए आउ एक्सटर्नल फोर्स को ही इंपोर्टेंट दिया जाए सीटा कौन पाए मुझे देखे दूँ. सो नेक्स्ट स्टेप देखो एफसीएम इक्वल्स टू एफ आई दैट इज एफ आई इंटरनल एंड एफ आई एक्सटर्नल. ओके दुटा फोर्स कंटेन करथिबो इंटरनल फोर्स आउ एक्सटर्नल फोर्स से नेक्स्ट स्टेप लिखा है एफ आई इंटरनल प्लस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू एफसीएम. सो ये एक्स एफ आई इंटरनाल जो इंटरनल फोर्स रही है नेग्लेक्ट करा जाए. ओके से फोर्स को नेग्लेक्ट करा जाए कौन पे देखो बट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो दैट फॉर ईच इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल देर इज इक्वल टू अपोजिट देर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अनदर पार्टिकल. सो व्हेन वी कंसिडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम देन द इंटरनल फोर्स कैंसल ईच अदर एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम. ओके तो बुझे ट्राए करो से सिस्टम रे केते गुडे पार्टिकल्स थिबे आउ से पार्टिकल्स मानक भितरे गुडे इंटरनल फोर्स थिबो से मानक भितरे इंटरेक्शन फोर्स थिबो किंतु आमे जानि छे फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके न्यूटन्स थर्ड लॉ कोन टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन एटा होची न्यूटन्स थर्ड लॉ माने प्रति एक्शन रो तार अपोजिट रिएक्शन मते थिबो तबे प्रति पार्टिकल्स मानक भितरे जो इंटरेक्शन अछि. ओके इंटरेक्शन अछि देन तार अपोजिट एक्शन मते थिबो तार रिएक्शन मते थिबो. ओके तबे प्रति पार्टिकल्स मानक जो एक्शन अछि तार रिएक्शन मध्ये थिबो आ एक्शन रिएक्शन कैंसिल हे गेला परे से टोटल फोर्स ता जीरो हे जिवो. ओके टोटल इंटरनल फोर्स जीरो हे जिवो. ओके इट इज द गुड सिस्टम हुए. ओके ले गुड सिस्टम हुए आ फॉर एग्जांपल एठी एतिरा पार्टिकल अछंती. ओके से केते पार्टिकल थिबे बट कंसीडर करबा एतकी पार्टिकल अछंती आ गोटे ए मानक भितर इंटरेक्शन फोर्स हला. ओके ई फोर्स गोटे ई आसला तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यार अपोजिट फोर्स मध्ये थिबो. ओके अपोजिट फोर्स मध्ये थिबो सो अपोजिट फोर्स जो अछि और अपोजिट जो रिएक्शन अछि तो ये कोन करबो कैंसिल करबो. ओके सो टोटल फोर्स कोन होबो इटे जीरो होबो टोटल फोर्स जीरो होइ जिवो काहेकि ना ई फोर्स जो ये जो एक्शन देला तार रिएक्शन तक कैंसिल करूछि सेंती प्रति पार्टिकल्स मध्ये सेम का होबो. ओके माने ई फोर्स जदि याकु अट्रैक्ट करूछि माने याकु जणे रिपेल मध्ये करथबो. ओके माने प्रति एक्शन रो रिएक्शन थाउजे तो सेटा कुआ हैछि वी नो दैट फॉर ईच इंटरनल फोर्स जो ईच इंटरनल फोर्स माने रहिछि ऑन वन पार्टिकल देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्वल फोर्स आउ तार अपोजिट फोर्स मध्ये थाउजे. ओके फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड एक्टिंग ऑन अनदर पार्टिकल सो व्हेन वी कंसीडर ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम जेतेबेले हम कंसीडर करबा ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम जेतेबेले हम टोटल सिस्टम रो पार्टिकल्स कंसीडर करबा देन जो फोर्स माने जो डायरेक्शन मान थिबो देन से माने कैंसिल करिवे. ओके से माने ईच अदर को कैंसिल कर देबे सो टोटल इंटरनल फोर्स कोन होबो जीरो होबो. ओके टोटल इंटरनल फोर्स जीरो हे जिवो सो सेति पई इंटरनल फोर्स को नेग्लेक्ट कराय कि ओनली एक्सटर्नल फोर्स उपरे कैलकुलेशन करा जाए. ओके एफसीएम मींस ओनली एक्सटर्नल फोर्स जोटा आम एक्सटर्नली अप्लाई करवा. ओके से दिया सो देयरफॉर एफसीएम इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्सटर्नल. ओके ओनली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हेबो एंड दैट इज इक्वल्स टू एमएससीएम. एफसीएम इक्वल्स टू एमएससीएम दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके ये गोटे जगह लिखा है मन रखिबो. सो एतकी जदि तुम फॉर्मूला मन रखी पार्छ देन इजिली तुम कौन सॉल्व कर पारिबो. ओके प्रॉब्लम सब सॉल्व कर पारिबो इजिली. तापर देखो नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एटा मते इंपोर्टेंट. ओके कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पढ़ी तुम भी 11th क्लास रे. ओके तार पुनरावृत्ति करवा एठी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स व्हेन द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन वी हैव एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो. ओके फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल व्हेन द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स टा जीरो हो जीवो देन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो हबो. ओके एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन कौन हबो एफ एक्सटर्नल जीरो हबो गुड सिस्टम पई.
देन एफ एक्सटर्नाल जीरो माने कौन एफ एक्सटर्नाल माने एसीएम जीरो सो नेक्स्ट स्टेप रे एफ एक्सटर्नाल वैल्यू एस एम एसीएम बाहर कराई एम एसीएम इक्वल टू जीरो देन एसीएम माने कौन डीफीसीएम बाय डीटी ओके एसीएम रो वैल्यू होची डीफीसीएम बाय डीटी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन रो वैल्यू पुट करा है एम इंटू डीफीसीएम बाय डीटी ओके आम प्रूव करूचे जे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम माने कंजर्वेशन मान कौन कंजर्वेशन मान कांस्टेंट ओके लिनियर मोमेंटम टा कांस्टेंट हो बोली हमें प्रूव करवा सो नेक्स्ट स्टेप रे एम एसीएम रो वैल्यू एसीएम रो वैल्यू बाहर कला तार वैल्यू पुट करा हला डीवीसीएम बाय डीटी नाउ एम होची गोटे कांस्टेंट से बाहर मल्टीप्लाई के अच्छे ओके ताको भीतर मल्टीप्लाई करले मते किछि फरक पड़बार नाई तो नेक्स्ट स्टेप रे ताको भीतर मल्टीप्लाई करा हला ओके से काहे ना से गोटे कांस्टेंट से पई ताको भीतर मते मल्टीप्लाई हम करि परबा सो नेक्स्ट स्टेप रे कोन करला डी बाय डीटी इनटू एमवीसीएम ओके एम को हम भीतर मल्टीप्लाई करलो एमवीसीएम हला तो एमवीसीएम माने कोन एमवीसीएम माने होचे पीसीएम सो डी बाय डीटी ऑफ पीसीएम इज इक्वल टू 0 हला ओके एमवीसीएम रो वैल्यू पीसीएम हम देखि छे सो डी बाय डीटी ऑफ पीसीएम इक्वल टू 0 पीसीएम इज इक्वल टू 0 माने पीसीएम रो डेरिवेटिव बाहर करले 0 होची ओके पीसीएम रो जदि डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन तार रिजल्ट 0 होची तबे आमे कौन जानसे जे कोनसी गोटे कांस्टेंट रो जदि आमे डेरिवेटिव बाहर करबा देन सेटा 0 होए ओके डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 तमे डेरिवेटिव रे पडथिबो जे कोनसी कांस्टेंट रो जदि तमे डेरिवेटिव बाहर करबो जे कोनसी वेरिएबल रे ओके जे कोनसी फंक्शन रो विथ रिस्पेक्ट टू जदि आमे बाहर करूछे देन सेटा सबले 0 होए ओके कांस्टेंट रो डेरिवेटिव सबले 0 तो एठी जेहेतु 0 अछि आरएचएस रे तबे PCM must be a constant. Okay, PCM constant का ही थी वो सिद्ध पाएं यार derivative 0 हो ची. So इतने हमें conclusion पाई बा. That is MVCM equals to that is PCM equals to constant. Okay, ये जो दी constant है इतने वो then ही 0 ही पारी वो सिद्ध पाएं. PCM is equal to 0 हो वो और sorry PCM is equal to constant हो वो. जे कौन से बड़ी constant ही पारी वो. Okay, constant है लेका तार derivative 0 ही पारी वो. Okay, माने PCM बोलने की linear momentum. Okay. लिनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास रो मोमेंटम 0 हो जाउ छी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम माने कंजर्वेशन मान कोन कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट बोली हम प्रूव कर देले से लिनियर मोमेंटम टा कांस्टेंट बोली हम प्रूव कर देले सो दैट इज द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट एटा थ्योरी मते आसे ओके 2 मार्क्स क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बोले एतके लिखबा पडिबो ओके इतक लिखा पड़ो सो लिख फाइनाली द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट कहीं कांस्टेंट डेरिवेटिव के 0 हुए तापर लिख हैंस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्वड हैंस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्वड इन द आबसेन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जिते बड़े एक्सटर्नल फोर्स आबसेंट थी एक्सटर्नल फोर्स जिते बड़े आबसेंट थी देन टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्वड हम एक्सटर्नल फोर्स आबसेंट थी माने कौन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 हो ओके सो एटा होचे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम सो एवडे रेतिके आ नेक्स्ट वीडियो बाकी सब क्वेश्चन बाकी सब देखिबा ओके सेंटर ऑफ मास फ्रेम रही छे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट विश्राम पड़बा सेंटर ऑफ मास फ्रेम रे ओके लेबोरेटरी फ्रेम तापर सेंटर ऑफ मास फ्रेम इंपोर्टेंट पार्ट मन रही छे रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट रो ओके सो से सब हमें नेक्स्ट वीडियो पढ़ा जदि वीडियो किछ नॉलेज मिलला देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो भूलबनी धन्यवाद